आर्मेनिया और अजरबैजान में विध्वंसक युद्ध जारी है। पिछले 24 घंटे से नॉनस्टॉप गोलीबारी चल रही है। आर्मेनिया के पीएम ने एक बार फिर ट्रंप से मदद मांगी है। ऐसे में सवाल यह है कि 31 दिनों से जारी यह जंग कब थमेगी, कैसे थमेगी? तो आइए न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 रक्त रंजित जंग। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच विध्वंसक युद्ध पिछले 31 दिनों से जारी है। आर्मेनिया अजरबैजान में तीसरा सीज फायर 5 मिनट में टूट गया। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। दोनों ही देश एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध विराम टूटने के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग पूरी तरह रक्त रंजित हो गई है। आज अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर जोरदार हमला किया है। इस हमले में आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। आर्मेनिया के पीएम ने अजरबैजान को सीज फायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान लगातार आर्मेनिया के आम लोगों को निशाना बना रहा है और रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। आर्मेनियाई पीएम ने ट्वीट में ट्रंप को भी टैग किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में आर्मेनिया की सेना तोप, टैंक और हथियारों के साथ नजर आ रही है। आर्मेनियाई सैनिक तोप के जरिए अजरबैजान की ओर गोले फायर करते दिखाई दिए। आर्मेनियाई रक्षा मंत्री ने जवाबी हमले में अजरबैजानी सेना की हैवी आर्टिलरी को तहस नहस करने का दावा किया है। युद्ध विराम के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग और भीषण हो चुकी है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें आर्मेनियाई सेना की कई गाड़ियां तबाह हो गई हैं और उसे काफी नुकसान पहुंचा है। आर्मेनिया भी अजरबैजान की कार्रवाई का जवाब दे रहा है। नागोर्नो काराबाग के शहर गुबाडली के गांव खानलीन पर अजरबैजान ने कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान की सेना की ओर से जारी किए गए एक वीडियो में पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है। सड़कें खाली दिख रही हैं और गलियां सूनी नजर आ रही हैं। अजरबैजान ने दावा किया है कि मानवीय युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान आर्मेनिया की गोलीबारी में दक्षिण शासन इलाके में जंगल में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए कई टीमों को लगाया गया है। आग बुझाने और आर्मेनिया के पर्यावरणीय आतंक को कम करने के लिए आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई हैं। आर्मेनिया के साथ युद्ध के हालात के बीच अजरबैजान की राजधानी बाकू की एक नई तस्वीर सामने आई है। यहाँ लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद लाइट जलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। हालांकि पूरे बाकू शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने आर्मेनिया में एक इलेक्ट्रॉनिक जैम्पिंग सिस्टम तैनात किया है। इसे बेलाडोना कहा जाता है। इसका बेस तुर्की सीमा के पास है, जो अजरबैजान के इस्तेमाल किए गए कम से कम 9 तुर्की निर्मित बैराकटार TB2 लड़ाकू ड्रोन को मार गिराता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।